दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 बिल्कुल अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है तमाम तरह के स्थितियाँ इधर की उधर हो रही है कि आखिरकार एग्ज़ाम हमारा कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो बिल्कुल उसी के चीज़ में सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने आपकी परीक्षा तिथि को फाइनली जारी कर दिया है। यानी आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने क्यों जारी किया है, तो बिल्कुल अगर हम बताएं तो जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का कंडक्ट कराया जा रहा है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हाथों में सौंपा गया है कि भैया आप ही 2024 के जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएं। ठीक है, तो इसीलिए जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने आपकी फाइनली परीक्षा तिथि को जारी कर दिया है। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार कौन सी डेट है, कब परीक्षाएं होंगी, और यहाँ देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में ये भी डाउट्स है कि आखिरकार भैया हम तो 2024 में बीएड करने चल रहे हैं, क्या सही है कि गलत है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर अगर हम बात करें तो बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो चुका है। इसी चीज़ को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिरकार कहीं हमारा बीएड करना व्यर्थ न चला जाए। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि क्या आपको बीएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और कितने नंबर पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप मिलते हैं। ठीक है, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कितना नंबर मिलता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपके बीच में ये पेपर कटिंग है जो कि आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेगी। हम इस पेपर कटिंग से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए आपके बीच में अपडेट्स लगी है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को 30 जून को जारी होगा परिणाम। ठीक है, यानी आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो 9 जून को कराए जाने की बातें कही जा रही हैं, और आपकी बात करें हम तो 30 जून 9 जून को आपकी परीक्षाएं होंगे। ठीक है, महज 20 दिन के अंदर आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आप समझिएगा, कहा जा रहा है उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने का लिया फैसला। मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया। ठीक है, कहा जा रहा है प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने के लिए यह तिथि प्रस्तावित की है। इसके साथ ही 30 जून को परिणाम जारी होगा। इसके साथ ही अब बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल तक कर दी गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ जो है 7 मई तक आवेदन कर सकेंगे। 2023 की तरह इस बार भी बीयू को ही जो है शासन ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा है। बीयू ने 10 फरवरी से परीक्षा के लिए आवेदन लिए थे। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई थी। इसके साथ ही 24 अप्रैल को परीक्षा कराने की तैयारी थी। आवेदन कम होने के चलते विश्वविद्यालय ने आवेदन की तिथि को जो 31 मार्च तक कर दी, और साथ ही परीक्षा की जो है तिथि को लेकर चुनाव की तिथियों के आधार पर फैसला लेने की बात कही थी। अब जब आचार संहिता लागू हो गई तो शासन स्तर से जो परीक्षा तिथि प्रस्तावित कर दी गई। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जो है कल्लू प्रसाद द्विवेदी ने बीयू कुलपति को सॉरी कुल सचिव को पत्र लेकर भेज कर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 9 जून को जो तिथि प्रस्तावित की है। आगे कहा जा रहा है कि साथ ही 30 जून को परिणाम घोषित करने और 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करने को कहा है। साथ ही जो है प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक जो है आवेदन करेंगे, जबकि विद्यार्थी 7 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। आगे बीयू के कुलपति विनय कुमार सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए शासन से निर्देश मिले हैं। 9 जून को परीक्षा तिथि जो है प्रस्तावित की गई है, जबकि प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि भी बढ़ाई गई है। बीयू के कुलपति मुकेश पांडे ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक जो है बाई जो है देख सकते हैं 229,226 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 1,75,000 जो है 442 ने टोटल शुल्क जमा कर दिया है। यानी आपकी जो परीक्षा है यहाँ देख सकते हैं वो स्पष्ट कर दी गई है
कि परीक्षा आपकी भैया 9 जून को होगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 जून को जारी किया जाएगा। अब आप कह रहे थे कि आखिरकार जो है कितने नंबर पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो अभी इसकी स्थिति जो है बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। फिर भी हम आपको अगले वीडियो में एक अनुमानित अंक ज़रूर बताएंगे कि आपको कितने नंबर मिल जाएँ तो बेहतर होगा। बाकी आप जो कह रहे थे कि क्या बीएड करना 2024 में सही होगा या गलत होगा, तो देखिए अगर हम आपको बताएं तो बीएड करना बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अगर आपको अपर लेवल तक सफ़र को तय करना है तो बीएड आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर प्राथमिक तक आपको सीमित रहना है, ठीक है, तो आप प्राथमिक तक सीमित रहने के लिए बीटीसी कर लीजिए। बाकी अगर आप बीएड करने के बाद आपके लिए तमाम रास्ते खुलते हैं, बीटीसी या डीएलएड करने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है प्राथमिक का। अगर प्राथमिक में भर्ती नहीं आई तो आपकी जो डीएलएड बीएड बीटीसी की डिग्री है वो जाहिर सी बात है वो धरी की धरी रह जाएगी। बाकी बीएड के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपकी आती रहती हैं, चाहे आपकी यूपी में हो चाहे आपकी अदर स्टेट में हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।